हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आप देख सकते हो मैं ग्रोजा टॉप वन पे हूँ, पूरा इंडिया पे टॉप वन पे हूँ। मेरा प्रोफाइल खोल के भी दिखाता हूँ, देखो उधर पे भी शो कर रहा है, देखो ग्रोजा टॉप वन पे। तो आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि ग्रोजा टॉप वन पे वो बंदे का ग्रोजा से गेम प्ले कैसा होता है, ठीक है। मैं एक गेम सोलो गेम स्टार्ट करूंगा और उसमें आपको दिखाऊंगा कि ग्रोजा में मतलब मैं कैसा खतरनाक ग्रोजा चलाता हूँ, कैसा मरता हूँ ग्रोजा, ऐसा चलाता हूँ। तो सोलो करके गेम स्टार्ट कर देते हैं, कैरेक्टर चेंज कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं कैरेक्टर सही तो है ना, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, नहीं तो फिर ग्रोजा इतना डैमेज भी नहीं देगा, समझ रहे हो। मैंने मारो कैरेक्टर लगाया है तो उससे डैमेज थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है, मतलब मैच मैचिंग हो रहा है, ठीक है। और मैं अपना रैंक दिखाता हूँ, मैं ग्रैंड मास्टर में हूँ बट मेरा मास्टर शो कर रहा है, देखो ग्रैंड मास्टर है 6930 पे और मेरा स्कोर है 8808, समझ रहे हो। तो मेरा अभी ग्रैंड मास्टर होना चाहिए बट मेरा आईडी ब्लैकलिस्ट हुआ है, वो क्यों हुआ है कैसे हुआ है वो मेरे को भी पता नहीं, शायद 24 घंटा ऑनलाइन रहा था इसलिए हो गया। तो चलो डायरेक्टली चलते हैं गेम में। तो मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ पे उतरूँ, ठीक है, मतलब देख रहे हो मैं सेफ जाना पड़ेगा क्योंकि ग्रोजा तो उतरते कहीं पे मिलेगा नहीं। और आप देख सकते हो डिस्काउंट भी आने वाला है वेंडिंग मशीन पे, तो ग्रोजा एक मिल जाएगा। और मेरा मास्टर दिखा रहा है साइड में, ठीक है ना, जैसे लोग बोलते हैं कि क्लासिक गेम खेले वगैरह वगैरह, आपने देख लेना रिटर्न करके उधर पे मास्टर शो कर रहा था, मतलब रैंक गेम ही है। आधे लोग बोलते हैं कि तुम क्लासिक खेलते हो, भाई मैं क्यों क्लासिक खेलूंगा भाई, हम लोग रैंक ही खेलते हैं पूरा टाइम। तो देखो मैं इधर साइड में उतरता हूँ, उधर तो कोई बंदा नहीं आ रहा शायद, तो मैं इधर साइड में उतर के मतलब लूट करूँगा और वेंडिंग मशीन पे डिस्काउंट आने का वेट करूँगा, ठीक है। मतलब टाइम तो लगेगा ही थोड़ा बहुत, कुछ मिशन करना है तो मैंने देखा नहीं क्या मिशन है, वो बंदे लोग कर लेंगे, हमको करने की ज़रूरत है, मतलब अपने आप ही हो जाएगा। इधर से जो भी गन मिलेगा वो पहले उठा के बंदा आएगा तो मारना पड़ेगा, तो मैं गन लूट कर लेता हूँ, सारा चीज़ लूटूंगा। इधर से देखो मेरे को अच्छा खासा गन मिल गया है, मतलब बंदे को मैं मार सकता हूँ, कोई भी बंदा है तो ये गन से मार सकता हूँ, नॉर्मली गन मिल जाएगा। कभी कभी तो उतरते गन ही नहीं मिलता और बंदा तो आया नहीं है इधर पे, दीपक कुछ ज़्यादा ही मार रहा है, अच्छा बंदा ऐसा है। चलो और रेंज भी मिल चुका है तो थोड़ा एमओ भी उठा लेते हैं यार। तो अभी इधर पे पता है इधर क्या होता है, मेरे साथ एक खतरनाक सीन हो गया, मतलब स्कैनर में कोई दिखाई तो नहीं दे रहा था ना बंदा, स्कैनर में तो कोई भी बंदा नहीं था, बट इधर पे अचानक से मेरे मुँह के सामने एक बंदा आ जाता है, आप लोग देखना, ठीक है। मैंने कुछ ज़्यादा ही शॉटगन का एमओ ले लिया है भाई साहब, 80 एमओ, समझ रहे हो। कोई ना हमारे पास वो पॉकेट मार्केट लिया हुआ है, उसके बाद उसके मतलब छोटा वो बैक मार्केट पता नहीं क्या नाम है उसका, वो भी आ जाता है। इधर पे एक बंदे का साउंड आ रहा है मेरे को कि लॉन्च पैड पकड़ रहा है गाइस, देख रहे हो ये भाग रहा है, देख रहे हो भाई, एक गोली का बज गया, रुक जा भाई, उसके पीछे पीछे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं उसके पीछे जाएंगे, हम लॉन्च पैड पकड़ रहे हैं उसके ही पीछे जाएंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। शायद मैंने बहुत सारा डैमेज तो दे दिया था, आधा से ज़्यादा तो खराब डैमेज दे रहा है, नहीं है वो थोड़ा ही गोली का बचा हुआ, देख रहे हो भाई साहब इधर से मतलब छुप गया होगा शायद कहीं पे भी, मेरे को थोड़ा थोड़ा साउंड आ रहा है, बंदा आसपास ही है, ऊपर चला गया। चलो इधर से टोकन उठा लेते हैं क्योंकि हमारे पास टोकन नहीं है और डिस्काउंट भी आ चुका है, पहले बंदे को मार लेते हैं बाद में ग्रोजा उठेंगे। भाग रहा है उससे डर नहीं लग रहा, इतना डैमेज दिया नहीं रहा भाई साहब, एक गोली का ही बचा है भाई, इधर खड़ा ना हो हेड ना मार दे, वो नीचे कूद गया भाई साहब, देख मुझे लगा इधर ही खड़ा है बट वो थोड़ा पीछे होता है, तो मार सकता था बट ये थोड़ा नॉर्मल था, मतलब उधर नहीं अच्छा खासा लूट लेकर आया भाई साहब, साइलेंसर स्किल ब्लॉकर कहाँ से मिलता है इन लोगों को ये सब, मुझे लग रहा है 200 वाले बक्से होता है ना, वो जो बक्सा होता है जो 200 में रिफ्रेश होता है। तो चलो इधर से ग्रोजा खरीद लेते हैं, ग्रोजा कोई खरीद ना लिया हो भाई, मतलब उसको पहले खरीदना चाहिए, नहीं तो दो ही बंदा खरीद सकता है ना पूरा मैप में, समझ रहे हो। इधर से मैं थोड़ा बहुत लूट कर लेता हूँ क्योंकि ये टोकन 500 टोकन और मिल गया भाई, सोलो में कुछ ज़्यादा ही टोकन मिलता है, ऐसे स्क्वाड खेलता हूँ तो टोकन नहीं मिलता मेरे को, मैं ऐसे सोलो खेलता भी नहीं, वीडियो बनाने के लिए सोलो खेल रहा हूँ। तो इधर से फॉरेक्स एंड मतलब ये सब खरीद लेते हैं, ठीक है गाइस, क्योंकि ये ज़रूरी है, पर्सनल की खरीदेंगे क्योंकि वहाँ से वेस्ट वेट मिल जाएगा। कोरोना भी बहुत अच्छी चीज़ है, समझ रहे हो, मतलब कोरोना का बंदा आएगा तो लगा के हम बंदे को मार सकते हैं आराम से। तो मैं इधर से टोकन खोल लेते हैं, 200 टोकन ये वाला भी खोल के जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे को अभी फॉरेक्स खरीदना है, मैं खरीद सकता था, एक ही टोकन में मिल रहा है। तो मैं घर के ऊपर टायर से गलती से जंप कर लेता हूँ तो इधर मतलब गलती से जंप हो जाता है, ठीक है। तो इधर पे मैं जा रहा हूँ, नीचे नहीं जा पा रहा है भाई साहब, क्या मैं जा फालतू का क्या टाइम वेस्ट करना, नीचे ही कुछ जाता हूँ ना कितना कटेगा। तो इधर से मेरे को MP40 मिल जाता है तो मेरा फेवरेट गन हो गया है, ठीक है, पहले ट्रोगन चलाता था बट अभी तो MP40 चला रहा हूँ क्योंकि नहीं अच्छा चलता ना ट्रोगन अभी, मतलब थोड़ा चेंजेस किया। तो इधर से थोड़ा बहुत एमओ उठा लेते हैं और उधर तो मैंने थोड़ा एमओ छोड़ा था इधर बीच में रास्ते में, ठीक है। तो एमओ उठा के मैं फॉरेक्स खरीद के डायरेक्टली आर्सेनल पे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने आर्सेनल की खरीदा है तो उधर से फॉरेक्स बॉरेक्स सब कुछ मिल जाएगा, मतलब अच्छा खासा लूट मिल जाता है ना आर्सेनल में। तो फॉरेक्स खरीद लेते हैं और चलते हैं डायरेक्टली आर्सेनल। तो मैं इधर लॉन्च पैड पकड़ के इधर पे आ जाता हूँ हैंगर वाला आर्सेनल पे, मतलब इसको हैंगर वाला तो नहीं बोल सकते, हैंगर में नहीं बट साइड में है, तो इधर पे अच्छा खासा गन पड़ा है। तो इधर एक बाइक लेके आ रहा है,
से भाई, इतना डर नहीं लगता, सीधा आ रहा है। हेड लग जाता मेरे को भी, ज़्यादा नहीं लगता, थोड़ा सा सीधा आ जाता तो भाई हेड लग जाता। इधर पे अच्छा खासा लूट था, बट क्या कर सकते, हमको ग्रोजा चलाना है। ऐसे में ग्रोजा और रैंक पुशिंग छोड़ चुका हूँ, क्योंकि मेरा आईडी ब्लॉक लिस्ट हुआ है, तो रैंक पुशिंग करके फ़ायदा क्या है, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। बट अब आप लोगों को दिखाने के लिए मैं गेम प्ले कर रहा हूँ ग्रोजा से। तो इधर पे गाड़ी वाले बंदे कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं। वो बंदा पुल के ऊपर उतर गया, ठीक है, मतलब देख रहे हो भाई, लेजेंड बंदा है, मारने के लिए पुल के ऊपर उतर गया भाई साहब। तो इधर पे मैं थोड़ा ग्लूवा लगा के मेडी लगाता हूँ, भाई खतरनाक डैमेज दे रहा है, दो ही पुली में मेरा राम राम सत्य हो जाता अभी, बट बिना बच गया मैं। तो मैं इधर से डायरेक्टली पुल के ऊपर जाके इसको मारने का कोशिश करेंगे भाई, कुछ भी हो जाए भाई इसको तो छोड़ेंगे नहीं भाई, क्या ही तो डैमेज दे रहा है, पीछे से मार ना दे भाई, देखना पड़ता है भाई। इधर ये लोग भाई दो गोली मारेगा, मर जाएंगे हम, देख रहे हो, वो भाई साहब वो खड़ा है, देख देख लिया मेरे को भाई, मेरे को तो डर लग रहा है भाई, दो तीन गोली मारेगा ना एक्चुअली भाई, ये बस दो तीन गोली में ही मर जाऊंगा। इतना ड्रैग कर रहा हूँ बट हेड नहीं लग रहा, पता नहीं क्या, वीडियो बनाने वालों को भी पता है सर, वीडियो बना रहा हूँ इसलिए हेड नहीं लग रहा है, मतलब मजाक कर रहा हूँ भाई, सीरियस मत लेना। तो इसको मैं आर पार मारने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, तो ब्लूवर के आर पार भाई करेक्टर है तो भाई यूज़ करना चाहिए, इसको मैं शूटिंग करके मार देता हूँ, ठीक है, ब्लूवर के आर पार मार देता हूँ। इसको थोड़ा चिढ़ा आता हूँ, ठीक है, ग्रोजा टॉप गन का दिखाएंगे इसको थोड़ा चिढ़ा करेंगे, मतलब इसको मतलब जैसे मैं दिखाऊंगा इमोट दिखाऊंगा और ग्रोजा टॉप वन का वो गेम में दिखा सकते हैं ना भाई, मजा ही मजा भाई, टॉप वन करो और ऐसे चिढ़ा दे रहा है वो बंदा, इमोजी भेजे जा रहा है, शायद मेरा लेवल भी चेक कर लिया होगा इसलिए इमोजी भेज रहा है। तो इसको थोड़ा लूट करके मैं थोड़ा ऊपर में आ जाता हूँ, उधर पे एक बंदे को क्या ही तो मारता हूँ, ठीक है, इधर एक बंदा होता है शॉर्ट रेंज में भाई साहब, ग्रोजा तो क्या ही खतरनाक चलता है भाई, देखो ये बंदा जा रहा है, उसको तो भनक भी नहीं लगा भाई, लूवर लगाने का भी टाइम नहीं लगा, मतलब ऐसा खतरनाक भाई, मेरा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन चेक कर लो भाई, तुम लोग भी ये लगा के मतलब रैंक गेम खेलोगे ना भाई साहब, बंदे वाला सामने बंदा है वो कैसे मर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो सामने कोई ड्रॉप लूट रहा है तो चलो मैं उधर जाऊंगा, ठीक है, इधर कोई बंदा है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो सामने देखो ड्रॉप लूटा जा रहा है, तो उसको छोड़ेंगे नहीं भाई, तो पीछे से जोन में कोई आ तो नहीं रहा ना, तो चेक करना भी बनता है भाई, रैंक खेल रहे हो तो भाई सारा जगह चेक करते ही रहना चाहिए। इधर पे देखो बंदे लोग फाइट कर रहे हैं, ट्रायलर लगा हुआ है भाई साहब, चलो कोई ना थर्ड पार्टी करेंगे, उसका गाड़ी फोड़ दिया किसी ने, ये लोग गाड़ी लेके घूमता रहता है भाई, यही बुरा लगता है गेम में, मतलब गाड़ी गाड़ी खेलते रहते हैं और कुछ नहीं भाई, इन लोगों को काम नहीं है, गाड़ी लेके घूमते रहो, इसका तो गाड़ी छोड़ देंगे भाई, चलो इसको तो छोड़ेंगे नहीं भाई। देख रहे हो मेरा डैमेज देखो भाई, क्या डैमेज दे रहा है वो बंदा, यूँ मर गया भाई, शायद मैंने चोरी चोरी किया बट खतरनाक डैमेज दे रहा है ना। इधर से चलो डायरेक्टली जोन में चलेंगे भाई, तो मेरे को इधर से मैं जोन में जा रहा हूँ तो एक और गाड़ी आएगा, देखो सामने से राइट से आ रहा है, देखो भाई साहब देख रहे हो भाई साहब, मतलब कुछ भी यार, गाड़ी लेके ही चलो भाई, लगता तो मैं मर जाता, क्या ही तो डैमेज पड़ रहा है भाई साहब। तो देखो वो लैम्बोर्गिनी वाला तो यहाँ से निकल गया, पर इसको नहीं छोड़ेंगे भाई, कुछ भी हो जाए वो भाई, इसका किस्मत अच्छा था तो जो कवर में चला गया, देख रहे हो भाई कवर आ गया उसके पास भाई, लेजेंड बंदा है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं हमको तो भाई, बट इसको तो छोड़ेंगे नहीं भाई, कुछ भी हो जाए, वो थोड़ा सा रह जाता ना, थोड़ा सा बाहर आ जाता तो कुछ नहीं, वो गाड़ी वाला वापस आ गया, देख रहे हो भाई, लोग कोई काम धंधा नहीं मिलता, गाड़ी छोड़ देते, फट गया वो भाई साहब, फट गया गाड़ी, सही है, चलो कोई ना, लैम्बोर्गिनी ऐसे भी जल्दी फट जाता है। बट बहुत सारे बंदे भाई गाड़ी लेके, बैटल रॉयल गेम है भाई, गाड़ी वाला गेम नहीं है, लोग गाड़ी लेके घूमता रहता है पूरा मैप में भाई, ऐसा अच्छा नहीं लगता। बट कोई ना भाई, हमको सोलो में भी परेशान कर रहे हैं भाई, स्क्वाड में तो आते ही है कोई दिक्कत नहीं, बट सोलो में भी परेशान हो ही रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं भाई, होता है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है। इधर पे ये बंदा तो भाई बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा, मेरे को जोन जाना पड़ेगा क्योंकि जोन स्टार्ट होने वाला है 8 सेकंड में, ये बंदा दिखेगा तो मैं मार सकता हूँ, बट ये निकलने का नाम ही नहीं ले रहा भाई साहब, इसका रैंक कुछ ज़्यादा ही होगा। तो चलो इसको कोई ना आगे आएगा तब इसको देखा जाएगा, तो मैं इधर आगे जाता हूँ, आगे तो देखो कितना गाड़ी घूम रहा है, एक गाड़ी घूम रहा है, और देखो एक गाड़ी वाले को मारा है ना, तो करेना वाले बोल रहे हैं भाई तेरे को तो गाड़ी वालों से ही सामना करना पड़ेगा। तो मेरा 4 ही किल हुआ, एक देखो मोस्टर अटैक वाला आ गया भाई साहब, देखो ये पास में आया, मेरा नेट चला गया भाई, तो गड़बड़े दे, चक्कर बेकर तो नहीं है ना, तो मैं घर में आ जाता भाई, बहुत सारी गाड़ियाँ घूम रहे आसपास, देख सकते हो ना, 1, 2, 3 गाड़ी घूम रहा है, 3, 4, एक और बंदा वही बंदा उस जैसा जोन से आ रहा है, मुझे लगता है ये अलग भी हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा लेफ्ट साइड से आ रहा है और वो बंदा राइट में था, तो मैं चेक करता हूँ तो कोई दिख नहीं रहा है, लग शायद आपस में लड़ लड़ के मर गए होंगे, शायद मेरे को ऐसा ही लग रहा है, नहीं तो गाड़ी लेके आ रहा है ना अभी, उसमें से एक हो सकता है। तो कोई ना, इसको नहीं छोड़ेंगे भाई, लेफ्ट साइड में जिसको मैंने डैमेज दिया था उसको भी छोड़ूंगा नहीं, मेरा डैमेज चेक करो भाई, कितना खतरनाक डैमेज रहा है, 44 तक डैमेज दे रहा है ये बंदे, देखो मोस्टर अटैक वाले को भाई डैमेज भी नहीं पड़ता है भाई, ये मतलब कुछ खतरनाक ही कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, मतलब डैमेज भी कम पड़ेगा और अंदर बैठ के मार भी सकते हो भाई, सोलो में तो कोई दूसरा बंदा वैसा यार नहीं हो सकता, बट भाई समझ रहे हो, इधर तो कितना गाड़ी घूम रहा है भाई, देख रहे हो भाई सब रुक ही जा रहे हैं भाई, बस करो यार, जान लो क्या, रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई, कितना मारो भाई,
भाई साहब गाड़ी ठोक ठोक के मार दिया भाई, दिल से बुरा लगता है भाई, इसको तो इमोजी भेजते हैं भाई, गाड़ी ठोक ठोक के मार दिया, कितना गाड़ी चल रहा है भाई, सारे के सारे बंदे रैंक पुश कर रहे हैं। तो भाई बैटल रॉयल गेम है नहीं कि ये भाई गाड़ी वाला गेम है, लोग गाड़ी ही चलाए जा रहे हैं। कोई ना देखो जितना हो सके उतना मतलब किल करने का ट्राई किया। मेरा जो फर्स्ट वीडियो था वही यही वीडियो है, मैं जो एक ही गेम खेला हूँ तो मेरे को 100 वेपन ग्लोरी मिल चुका है, तो और कुछ चाहिए ही नहीं मेरे को। देखो ऐसे ही टॉप वन हो जाता है ग्रोजा टॉप वन, तो मैंने 5 किल किया था, ज़्यादा किल नहीं कर पाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।